नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब मस्त और तंदुरुस्त होंगे एकदम। तो दोस्तों, हम आज बात करने वाले सऊदी अरब के 10 बड़े शहर के बारे में जो काफी फेमस और पॉपुलर है, और उसके बाद बात करें निश्चित रूप से तो हम बात करने वाले हैं वहाँ पे टोटल कितना पॉपुलेशन है और उसका GDP कितना है उस शहर का और टोटल कितना एरिया है, उन सारे टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि सऊदी अरब से जो बाहर है और सऊदी अरब के जो अंदर है, उन लोगों का सबका दोस्तों का मन करता होगा काफी घूमने के लिए कहीं कहीं छुट्टी के दिनों में। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी एकदम हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और प्लस में अगर कहीं घूमने के लिए जाओ तो इस वीडियो से आप घूमने जा सकते हो और यहाँ से जो है लोकेशन भी देख सकते हो कौन सा लोकेशन कैसा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूँ HP सिपाही शॉर्ट्स में। अब टाइम न वेस्ट करते हुए चलते अपने टॉपिक पे। दोस्तों, टोटल GDP का सऊदी अरब का बात करें तो 833.5 बिलियन US डॉलर है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। टोटल पॉपुलेशन ऑफ सऊदी अरब का बात करें दोस्तों तो 35.95 मिलियन है 2021 के डाटा के अनुसार। उसके बाद दोस्तों, टोटल एरिया ऑफ सऊदी अरब का बात करें तो 2.15 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। दोस्तों, टॉप फेमस प्लेसेस के सऊदी अरब में बात करने वाला हूँ। दोस्तों, 10वें नंबर पे है दहरन। दहरन का अट्रैक्शन प्लेस का बात करें जो कि विजिट करने के लिए काफी अच्छा है तो किंग अब्दुल अजीज सेंटर फॉर वर्ल्ड कल्चर, और उसके बाद जो है बात करें तो मॉल ऑफ दहरन। दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दहरन का बात करें तो 240,000 है 2021 के डाटा के अनुसार। दोस्तों, टोटल एरिया का बात करें तो वहाँ का एरिया है टोटल 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। दोस्तों, नाइन्थ नंबर पे है खोबर। खोबर का जो आकर्षण करने वाले पॉपुलर प्लेस है उसका नाम है अर लासिद मॉल, और उसके बाद जो है आप वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छे से शॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप बीच का मज़ा लेना चाहते हो, अगर स्विमिंग पूल का जैसे मज़ा लेना चाहते हो तो हाफ मून बीच है। उसके बाद जो है दारन हिल्स पार्क है। दोस्तों, अगर टोटल पॉपुलेशन का बात करें खोबर का तो अराउंड 457,000 है वहाँ का 2010 के डाटा के अनुसार। टोटल एरिया ऑफ खोबर का बात करें तो 750 स्क्वायर किलोमीटर्स है। दोस्तों, 8वें नंबर पे है ताबुक। ताबुक का अट्रैक्शन प्लेस का बात करें तो ताबुक अल कैस्टल अल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो लगभग 619,000 है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। दोस्तों, टोटल एरिया का बात करें तो 119,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। GDP का बात करें तो ताबुक इकोनॉमिक इज रिजर्व विद द सेक्टर विद सच एग्रीकल्चर मीनिंग एंड टूरिज्म प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल्स। द रीजन ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स इंक्लूडिंग द इंसिडेंट नामतीन सिटी और उलऑग अट्रैक्ट टूरिज्म प्लेस का कर, जिसमें कृषि खाने और पर्यटन जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, 7वें नंबर पे है बुदराई। बुदराई का अट्रैक्शन करने वाले प्लेस का बात करें तो किंग अब्दुल्ला पार्क बुदराई डेट्स मार्केट। जो मार्केट है वो खजूर का काफ़ी प्रसिद्ध है, और वहाँ पे अलग अलग 30 वराइटीज का खजूर पाया जाता है, और खजूर का मार्केट वहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो लगभग 67,000 टोटल वहाँ का पॉपुलेशन है 2021 का डाटा के अकॉर्डिंग। दोस्तों, टोटल एरिया का बात करें तो 5,322 स्क्वायर किलोमीटर से वहाँ का टोटल एरिया, और उस शहर की अर्थव्यवस्था खजूर की खेती और पशुधन उत्पादन और कृषि का उत्पाद की बिक्री पर निर्भर करती है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय वाणिज्य का केंद्र भी है। दोस्तों, 6वें नंबर पर है तैफ। तैफ का बात करें तो आकर्षण प्लेस, जो फेमस प्लेस है उसके बारे में बात करें तो सुबरा प्लेस, उसके बाद अल दफा पार्क है, उसके बाद है तैफ रोज फेस्टिवल। दोस्तों, टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो वहाँ पर 1.2 मिलियन है 2021 की डाटा के अकॉर्डिंग। दोस्तों, टोटल एरिया का बात करें तो 5,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 5वें नंबर पे है दमाम। दमाम का आकर्षण प्लेस के बारे में बात करें तो हाफ मून वे है, उसके बाद जो है किंग फहद पार्क है, और टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो वहाँ पे लगभग 1.3 मिलियन से 2021 के डाटा के अनुसार, और टोटल एरिया का बात करें तो 800 स्क्वायर किलोमीटर से। दोस्तों, अगर दमाम का बात करें GDP का तो वहाँ पे सबसे बड़ा भूमिका निभाता है वहाँ का जो है तेल उत्पादन की बहुत बड़ा क्षेत्र है वो। दोस्तों, 4वें नंबर पे है मदीना।
मदीना का बात करें तो मदीना की अर्थव्यवस्था धार्मिक पर्यटन और निकट से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पैगंबर मोहम्मद का दफन स्थान है। शहर में साल भर का पर्यटक का तातंग लगा रहता है, जिससे धार्मिक पर्यटन से संबंधित गतिविधियों और सेवाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था बढ़ावा मिलती है। और वहाँ का फेमस प्लेस का बात करें तो अल मस्जिद अल नाबी है, उसके बाद जो है कौवा मार्क्स है। टोटल पॉपुलेशन का बात करें वहाँ का तो लगभग 1.9 मिलियन है 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग। टोटल एरिया का बात करें वहाँ का तो 589 स्क्वायर किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है मक्का। मक्का की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से धार्मिक पर्यटन से संचालित होती है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों पर्यटन आती है और यह जो शहर की जीडीपी में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हज और उमरा की मौसम के दौरान अतिथि और सेवा के क्षेत्र में फल फूलती है। वहाँ आकर्षण करने वाली लोकेशन का बात करें तो मस्जिद अल हबाद जो है कब्बा है। टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो लगभग 2 मिलियन है 2021 के डाटा के अनुसार। टोटल एरिया का बात करें तो 850 स्क्वायर किलोमीटर से। दूसरे नंबर पे है जिद्दा। जिद्दा का आकर्षण करने वाले प्लेस का बात करें तो कॉर्नी से, उसके बाद जद्दा वाटरफॉल प्रोजेक्ट है, उसके बाद है अल बलाद। और जद्दा का टोटल पॉपुलेशन का बात करें तो लगभग 4.4 मिलियन है 2021 के डाटा के अनुसार। टोटल एरिया का बात करें तो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर से। जीडीपी का बात करें तो जद्दा इज द मेजर कमर्शियल सेंटर विथ ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी और पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट वाले हम बताने से पहले चाहते हैं कि आप लोग प्लीज़ मेरे नए चैनल पर नए आए हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं हम नंबर वन पे है रियाद। रियाद का अट्रैक्शन करने वाले प्लेस का बात करें तो किंगडम सेंट्रल टावर है, उसके बाद है देहरा और उसके बाद नेशनल म्यूजियम, जो कि काफ़ी वहाँ पे पुरानी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से वहाँ पे रखा गया है। और दोस्तों टोटल पॉपुलेशन का बात करें रियाद का तो 8.4 मिलियन है 2021 के डाटा के अनुसार। और टोटल एरिया का बात करें तो 1913 स्क्वायर किलोमीटर से टोटल वहाँ का एरिया। जीडीपी ऑफ रियाद का बात करें तो रियाद की जीडीपी महत्वपूर्ण है, जो सऊदी अरब की समग्र अर्थव्यवस्था में एक बड़ी योगदान देती है। यह शहर देश का वित्तीय और प्रशासनिक केंद्र रूप में भी कार्य करती है। प्रमुख निगमों और सरकारी संस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए मेजबानी करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, जो कि सऊदी अरब घूमने में इंटरेस्टेड हो, अगर आए तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों बाय बाय, टेक